हेलो फ्रेंड, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में एबी वर्सेस एमएम का एक बेहतरीन जानदार टीम आपको देने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को दबा लें, और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आइए मैं आपको यहाँ पे टीम क्रिएट करके बता देता हूँ और साथ में प्लेयर की इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो यहाँ बात करूँ दोनों टीमों की, तो दोनों टीमों में एबी एक मजबूत टीम है और इस मैच को शायद आसानी से जीत जाए। एमएम थोड़ी सी मैं कहूँगा कि यहाँ थोड़ी सी कमज़ोर पड़ जाती है, क्योंकि इसके प्लेयर जो हैं अच्छी फॉर्म में इस समय नहीं है। ऐसी नहीं है कि इसके प्लेयर एक बड़े बड़े नामी प्लेयर हैं, लेकिन हाँ थोड़े से फॉर्म में इस समय नहीं है। तो इस कारण से मैं कह सकता हूँ एबी इस मैच को जीत सकती है। यहाँ बात करूँ आउटफील्डर सेक्शन की, तो आउटफील्डर में फ़िलहाल मैं तीन प्लेयर लेके इस मैच में चल रहा हूँ, लेकिन इसमें मैं आपको बता देता हूँ तीन से चार प्लेयर ऐसे हैं जो अच्छी फॉर्म में हैं, लेकिन यहाँ पे मैं मात्र तीन प्लेयर को ले आया हूँ। मैं आपको बता दूँ कौन कौन से प्लेयर हैं। एम उजुना को आप यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ये बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आप इनको ज़रूर यहाँ से पिक कर लीजिएगा। एम उजुना को, इनकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो देखिए पिछले मैच में इन्होंने 21 का स्कोर, फिर 0, फिर 35, फिर 11, फिर 14, फिर 25 और फिर 7 का स्कोर इन्होंने किया है। तो इनकी परफॉर्मेंस में मात्र एक बार इन्होंने 0 का स्कोर और सारे में ये 10 प्लस तक का स्कोर ये किए हैं। तो एम ओजोनो को आप ज़रूर यहाँ से पिक कर लीजिएगा और मेरे फ़िलहाल से इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन भी अपने टीम में आप बना सकते हैं, क्योंकि प्लेयर बहुत ही अच्छे हैं। तो एम ओजोनो को तो यहाँ पे ज़रूर पिक कर लीजिएगा। वहीं बात करूँ दूसरे प्लेयर आपको मिल जाएंगे आर उकुना, ये भी एक ज़बरदस्त प्लेयर है, इनकी भी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। पिछले मैच में इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी, 25 का स्कोर, फिर 6 का स्कोर, फिर 34, फिर 0, फिर 46, फिर 11, फिर 16 और 4 का स्कोर है। तो बहुत ही अच्छा स्कोर है इनका भी, आप इनको भी यहां से पिक कर सकते हैं। इनकी भी परफॉर्मेंस में मात्र दो बार इन्होंने 0 का स्कोर किया है 10 मैचों में, तो एक बेहतरीन प्लेयर हैं। 20 प्लस का स्कोर बहुत है इनके पास, तीन से चार मैच में इन्होंने 20 प्लस का स्कोर किया है, तो ये बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, आप इनको भी यहाँ से पिक कर सकते हैं। देखिए ये दोनों प्लेयर को मेरे हिसाब से आप ज़रूर ले लीजिएगा अपने टीम में। अब बात करूँ तीसरे प्लेयर, तो तीसरे प्लेयर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे एन मार्केकीज़, ये भी एक ज़बरदस्त प्लेयर है, इनकी भी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। पिछले मैच की परफॉर्मेंस, मात्र दो मैचों की परफॉर्मेंस की मैं बात करूँ इधर की, तो 4-4 का स्कोर है, लेकिन उससे पहले वाले मैचों की बात करूँ तो 20, 16, 0, 27, 19 का स्कोर है। तो इधर के दो मैच छोड़ दें तो उधर के मैचों में इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है, तो मेरे हिसाब से एक दो मैच तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, यहाँ पे इनके साथ जा सकते हैं एन मार्केकीज़ के साथ। ये एक जानदार प्लेयर हैं और इनकी क्रेडिट भी थोड़ी सी लो है, इस कारण से मैं कहूँगा कि इनको आप यहाँ से पिक कर लीजिए। अब बात करूँ देखिए दो प्लेयर जो मैं नहीं लिया हूँ यहाँ पे, आपको यहाँ पे मिल जाते हैं एस मार्टे। एस मार्टे की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, एमएम की तरफ से खेलते हैं एस मार्टे। एस मार्टे पर इनकी सिलेक्शन भी 55% लोग किए हैं, लेकिन ये देखिए दो मैच लगातार इधर मैच नहीं खेले हैं, तो मेरे हिसाब से नहीं लगता है कि इस मैच को भी ये खेलते नज़र नहीं आएंगे। तो एस मार्टे को यहाँ से आप ड्रॉप ही करके चलिए, लाइनअप के बाद तो पता चल जाएगा एस मार्टे यहाँ पे खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे जो लग रहा है एस मार्टे इस मैच को नहीं खेलेंगे। अब दूसरा प्लेयर आपको मिल जाते हैं दुबल, ये आपको देख लीजिए ऊपर मिल जाएंगे ए डुबल भी एक ज़बरदस्त प्लेयर हैं। पिछले मैच की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इन्होंने 21 का स्कोर किया है, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन एबी के प्लेयर होने के कारण मैं इनको यहाँ पे नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि देखिए 6 प्लेयर मैं ऑलरेडी यहाँ पे एबी के प्लेयर ले चुका हूँ, तो इस कारण से मैं यहाँ पे ए डुबल को मैं यहाँ पे नहीं ले पा रहा हूँ। यदि आपको लेना है तो यहाँ से मेरे हिसाब से मार्केकीज़ को यहाँ से आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, तो यही कारण है, आप मेरे हिसाब से आप उनको ड्रॉप करके ये मार्केकीज़ के साथ ही जाइए, एक बेहतर हो सकते हैं। आपकी मर्जी है, मार्केकीज़ के साथ भी जा सकते हैं या तो डुबल के साथ जा सकते हैं, दोनों में बेस्ट हो सकते हैं। यहाँ बात करूँ इनफील्डर की, तो इनफील्डर में मैं बात करूँ तो एफ फ्रीमैन आपको मिल जाएंगे, एक ज़बरदस्त प्लेयर हैं, आप इनको यहाँ से ज़रूर पिक कर लीजिएगा। इनकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो पिछले मैच में 11, फिर 11, फिर 29, फिर 32, फिर 4, फिर 25, फिर 28, फिर 11 का स्कोर है। तो एफ फ्रीमैन का स्कोर भी बहुत ही अच्छा है, आप इनको यहाँ से ज़रूर पिक कर लीजिएगा। इनकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस ये दिखा रहे हैं, और देखिए इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन भी आप अपने टीम में बना सकते हैं, एक ज़बरदस्त ये प्लेयर हैं, तो एफ फ्रीमैन को अपने टीम में आप ज़रूर ले लीजिएगा। अब बात करूँ दूसरे प्लेयर आपको मिल जाएंगे
एम रोएज ये भी एक अच्छे प्लेयर हैं, आप इनको साथ भी जा सकते हैं। इनकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो पिछले मैच में 8 का स्कोर, फिर 12, फिर 4, फिर 0, फिर 28 का स्कोर है, तो बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। आप इनको यहाँ से चाहें तो पिक कर सकते हैं, नहीं तो इन्हीं की कंपेयर में एक और प्लेयर आपको मिल जाएंगे, जी कोपर। ये भी कोपर की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, इन दोनों में से किसी एक को आप पिक कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एम रोजर्स के साथ ही जाइए, ये बेहतर हो सकते हैं आपके लिए। इनकी सिलेक्शन भी थोड़ी सी हाई है, इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। जी कूपर भी बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, उनको भी आप चाहें तो रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब तीसरे प्लेयर की बात करूँ तो जे बट्टी आपको मिल जाएंगे, ये बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। इनकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मात्र 3 मैच खेले हैं, 8, 29 और 12 का स्कोर इनका है, तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस ये दिखा रहे हैं। तो बेटी को आप यहां से ज़रूर पिक कर लीजिएगा, एक ज़बरदस्त मैं कह सकता हूं प्लेयर हैं, आप इनको यहां से ले लीजिए। वहीं बात करूं आपको चौथे प्लेयर, तो यहां से OLBs आप मिल जाएंगे, ये भी एक ज़बरदस्त प्लेयर हैं, आप इनके साथ भी जा सकते हैं। इनकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो 5 मैच खेले हैं, जिसमें से 4 बार ये सक्सेस हुए हैं, एक मैच में केवल 0 का स्कोर है। पिछले मैच में इन्होंने 11 का स्कोर, फिर 12, फिर 39, फिर 28, फिर 0, तो पहले ही मैच में केवल 0 है, उसके बाद इनका स्कोर बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ से OLDs को आप यहाँ से पिक कर सकते हैं, एक ज़बरदस्त प्लेयर हैं। अब बात करूँ पिचर सेक्शन की, तो पिचर में फ़िलहाल अभी मैं यहाँ पे कहूँगा कि आप ई हेनांडेस के साथ जाइए, यदि मुझे लग रहा है कि इस मैच को ये खेलते नज़र आ सकते हैं MM की तरफ से, तो आप इनको यहाँ से पिक कर सकते हैं। देखिए पिचर में क्या होता है, कोई यदि इस मैच में कोई प्लेयर अच्छी परफॉर्मेंस करता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो अगले मैच में उसको चांस दिया जाए, तो थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत है। लेकिन मेरे हिसाब से ई हेनांडेज यहाँ पे खेलते नज़र आ सकते हैं, ये एक अच्छे प्लेयर हैं। और ऊपर भी बात करूँ तो एफ रीड भी एक अच्छे प्लेयर, उनको भी चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ई हेनांडेज आपको बेस्ट पड़ेंगे यहाँ पे। वहीं अब बात करूँ कैचर की, तो कैचर में आपको मिल जाएंगे टोराल्ड, ये भी एक अच्छे प्लेयर हैं, आप इनके साथ भी जा सकते हैं। इनकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया है, तो मेरे हिसाब से आप इनको भी यहाँ से पिक कर लीजिएगा। सिलेक्शन भी इनका हाई है, पिचर में आपको ये, कैचर में आपको ये बेस्ट पड़ेंगे। अब बात करूँ कैप्टन या वाइस कैप्टन की, तो कैप्टन मेरे हिसाब से आप एफ फ्रीमैन को लें तो बेहतर हो सकता है, और वाइस कैप्टन की बात करूँ तो आर एकुना को ले सकते हैं, वो भी एक ज़बरदस्त प्लेयर है। देखिए दो यहाँ पर टीम बनने वाली है, एफ फ्रीमैन एक बेहतर हो सकते हैं कैप्टन के तौर पे, और यहाँ पे दूसरा आपको मिल जाएंगे OLBs। ये कैप्टन या वाइस कैप्टन की कॉम्बिनेशन ये बढ़िया हो सकती है, नहीं तो आपको ऊपर आपको मिल जाएंगे आर एक्यूना आपको बेहतर हो सकते हैं, और एम उजुना आपको बेहतर हो सकते हैं वाइस कैप्टन के तौर पर, तो उन दोनों को भी ले सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर फ्रीमैन को आप कैप्टन और वाइस कैप्टन आर एक्यूना को बना दें तो भी आपको बेहतर हो सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आगे की वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।